अहमदाबाद मुंबई हाईवे NH-98 पर रविवार को डिवाइडर से टकराई साइरस की कार हादसे से ठीक पहले 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी। साइरस की कार की जांच के बाद मर्सिडीज कंपनी ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कार टकराने से 5 सेकंड पहले डॉक्टर अनायता पंडोले ने ब्रेक लगाए थे, जिससे कार की स्पीड घटकर 89 किलोमीटर पर आ गई थी। कार की डिटेल्स जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज की एक्सपर्ट टीम आएगी, जो 12 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले IIT खड़गपुर की फॉरेंसिक टीम ने हादसे के लिए हाईवे पर बने सूर्या नदी के पुल की खराब डिजाइन को जिम्मेदार बताया था। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग के दौरान जजमेंट में हुई गलती को टक्कर की वजह बताया था। अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर रविवार को हुए एक्सीडेंट में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया था। उनकी मर्सिडीज GLC 220 कार हाईवे पर सूर्या नदी के पुल पर बने डिवाइडर से टकराई थी। वे गुजरात के उदवाड़ा पारसी मंदिर से लौट रहे थे। हादसे में मिस्त्री 54 साल के थे और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले 49 साल, जिनकी जान चली गई, जबकि कार ड्राइव कर रही डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरियस पंडोले घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।